साथियों, कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट, वही लोग थे और कोई झंडा था ही नहीं। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था। हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाल था हमारा। लेकिन 2014 तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काल शुरू हुआ, उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था। तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता है। सबका साथ भी लेता है, सबका विकास भी करता है। तो मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता था। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जानकर के शायद आश्चर्य होगा, रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता रहा हूं। साथियों, आकांक्षी जिलों में कैसे काम होता है ये खंडवा में भी दिख रहा है और मुझे गर्व है। यहां के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में, और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रहूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यह आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहां जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहां शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहां की संतान, जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहां की संतान किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है।